नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां स्कूली वाहनों की वजह से लगने वाले जाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी विद्यालयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी क्रम में कृष्णा नगर ACP विनय कुमार द्विवेदी ने अपने सर्कल क्षेत्र में सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर स्कूली वाहनों के लिए बनाए गए नियमों को अवगत कराते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसमें CCTV के माध्यम से विद्यालय के बाहर और विद्यालय में पार्किंग स्थल की निगरानी की जा सके। आइए दिखाते हैं आपको हमारी संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। कृष्णानगर कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक में ACP विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विद्यालयों के बाहर लगने वाले रोड जाम के दृष्टिगत बनाए गए नियमों के अनुसार सभी विद्यालय के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ एक नोडल ट्रैफिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। विद्यालय के खुलने एवं बंद होने के समय विद्यालय के बाहर विद्यालय का नोडल ट्रैफिक अधिकारी ट्रैफिक प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा। गाइडलाइन के अनुपालन में ACP विनय कुमार द्विवेदी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालय में केंद्रीयकृत अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया जाए, जिससे आवश्यकता अनुसार उद्घोषणा की जा सके। विद्यालय के सभी गेट एवं सड़क की ओर CCTV कैमरे लगे हों, जिन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम के माध्यम से देखा जा सके। CCTV के DVR में 60 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यालय खुलने के 1 घंटे पूर्व एवं बंद होने के 1 घंटे बाद तक की CCTV की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय अपने ट्रैफिक कंट्रोल कार्यालय को यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए गेट व सड़क पर ट्रैफिक रुकने ना दिए जाने संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में ACP विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि विद्यालय के ट्रैफिक कर्मियों को निर्धारित यूनिफॉर्म तथा यथासंभव सफ़ेद ड्रेस में यातायात पुलिस की भांति विद्यालय की बैच के साथ ड्यूटी पर रखा जाए तथा विद्यालय के ट्रैफिक कर्मियों को तेज आवाज़ वाली CT उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध पार्किंग स्थल में ही विद्यालय कर्मियों के साथ साथ अभिभावकों के वाहन खड़े कराए जाएं। सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि जिन स्कूलों में पार्किंग स्थल नहीं है वह अगल बगल पार्किंग स्थल की व्यवस्था करें। ACP विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विद्यालय के बाहर वाहन खड़े पाए गए तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन वाहनों का चालान किया जाएगा। इसी के साथ साथ स्कूली वाहन बच्चों को अब स्कूल के भीतर अपने वाहन ले जाकर छोड़ेंगे और गेट के भीतर से ही बच्चों को वाहन में बिठाकर ले जाएंगे। ACP विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि विद्यालयों के लिए जारी निर्देशों का समुचित पालन ना किया जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रबंधतंत्र अथवा प्रधानाचार्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय विद्यालय के बाहर किसी भी दशा में आवागमन बाधित ना हो। बैठक में कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रद्युमन सिंह, ट्रैफिक पुलिस की ओर से TI अभय कुमार राय, ट्रैफिक पुलिस आरक्षी प्रशांत गंगवार व प्रेम प्रकाश सहित कृष्णानगर, सरोजनी नगर, बंथरा, बिजनौर क्षेत्र के विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।